पंडित जी को गाड़ी से उनके होटल तक छोड़ने का प्रस्ताव किया। उनका कमरा उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आया तो मैंने उनको अपने घर बुलाया, जहाँ मेरे पास उनके सत्कार के लिए काफ़ी जगह थी। वो मेरे घर आए और उनको जगह पसंद आई। ऐसे ही साथ रहते रहते हमारी मित्रता की शुरुआत हुई। फिर मैं भारत देश जाके उनसे मिला। वो भी फ्रांस आकर मेरे यहाँ कई बार ठहरे। हमने फ्रांस में कई बार साथ में यात्रा की। पंडित जी को फ्रांस के संगीत युवा सम्मेलन के साथ उस समय अनुबंध था। उन्होंने कई शहरों में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया, बोर्डो, नीस, एविन्यों जैसे शहरों में और पेरिस के कई स्थानों में भी उन्होंने अपने संगीत की प्रस्तुति की। फिर मैं बम्बई उनके घर रहने गया। धीरे धीरे साथ में समय बिताते हुए हमारी मित्रता और भी गहरी बनती गई। पोर्क्रोल नामक द्वीप लेकर आया फ्रांस में। हम वहाँ के वन क्षेत्र में इकट्ठे भ्रमण करने गए हुए थे। अचानक वो डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि उन्हें एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। यकीनन भारत देश में काफी घूमने के बाद मैं इस बात का दावा जरूर दे सकता हूँ कि फ्रांस के प्रादेशिक वन कभी कभार भारत के जंगलों जैसे लगते हैं। इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा, दोस्त क्या सच्ची इस जंगल में कहीं शेर तो नहीं? सब कुछ बहुत रोमांचक था। एक भयंकर तूफान धीरे धीरे हमारी तरफ चले आ रहा था। पहाड़ी की चोटी से हमने उतरने का निर्णय लिया ही था कि अचानक घोर अंधेरा छा गया और सूरज डूब गया, बादल गरजे, बिजली गिरी और भयंकर बारिश पड़ने लगी। कहो जैसे भारत में सावन का मौसम आया हुआ। पंडित जी धीरे धीरे और उत्सुक होते गए, ये सोचते हुए कि शेर अब भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अगले दिन मैंने उनको समझाया कि फ्रांस में शेर खुलेआम नहीं घूमते, और फिर हम दोनों खूब हंसे, बहुत मजा आया। राम को फ्रांस से बहुत लगाव है और मुझे भारत से, दोस्ती तो होनी ही थी। Thank you.